हमारे शास्त्रों में विद्यार्थियों के 5 लक्षण बताए हुए हैं। वो यह है कि काग चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारे गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। यानी कि काग चेष्टा बको ध्यानम, कौवे की तरह चेष्टा करने वाला और बगुले की तरह ध्यान लगाने वाला। श्वान निद्रा यानी कि जो कुत्ता होता है उसकी तरह सोने वाला, कि जैसे कोई पास से गिर जाता है फट से नींद, मतलब कि उसकी नींद जो होती है बिल्कुल चंचल होनी चाहिए। उसके बाद होता है कि अल्पहारी, अल्पहारी यानी कि कम खाने वाला, अगर आप ज्यादा खाते हैं तो आपकी बुद्धि कम चलती। और आखिरी में आता है गृह त्यागी यानी कि घर को त्यागने वाला, क्योंकि पुराने जमाने में जो विद्यार्थी हैं वो बाहर जाकर गुरुकुल में जाकर शिक्षा प्राप्त करते थे, लेकिन आज के आधुनिक जमाने में वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए आप घर पर रहकर भी, लेकिन घर पर रहकर मतलब आप दुनियादारी से अगर हट जाते हो तो गृह त्यागी हो जाता है एक तरह से। तो ये चीजें कि काग शिष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारे गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, अगर पसंद आए हो तब भी फॉलो कीजिए।